फ्रेंड्स, वेलकम टू नंदिनी किचन। नंदिनी किचन में आपका स्वागत है। आज मैंने बनाया है फ्रेंड्स रबड़ी मलाई लस्सी, जो कि बनारस के रामनगर की फेमस रबड़ी मलाई लस्सी मिलती है। बिल्कुल वही टेस्ट, वही फ्लेवर और वही तरीका मैं लेके आई हूँ आपके लिए आज, क्योंकि मैंने वहाँ कई बार विजिट किया है। मैं रामनगर में जो बनारस के रबड़ी मलाई लस्सी मिलती है, बिल्कुल सेम टेस्ट, सेम फ्लेवर और सेम तरीके से ही बनती है। मैं ये नहीं कहूँगी फ्रेंड्स कि ये 100% बिल्कुल वही टेस्ट है, क्योंकि हर किसी का अपना स्वाद होता है, अपना तरीका होता है और हर किसी का हाथ का स्वाद सेम नहीं होता। तो मैं 100 तो नहीं कहूँगी, पर 99% सेम तरीका, सेम टेस्ट और सेम फ्लेवर है, क्योंकि मैंने सेम तरीके से बनाया है। मैं बचपन से वहाँ पीती आ रही हूँ, देखती आ रही हूँ, मैं तो वहीं पली बड़ी हुई हुई हूँ। शादी के बाद यहाँ आ गई, फिर भी मैं जब भी वहाँ जाती हूँ वहाँ हमेशा हम लोग पीते हैं। आज की जो फ्रेंड्स रेसिपी है, जो लस्सी मैंने ये बनाई है, बिल्कुल रामनगर की बनारस की फेमस लस्सी, वो बिल्कुल प्योर दही से बनी हुई है, बिल्कुल वाटर एडेड नहीं है और फ्रेश दही से है। आप इसके लिए बासी या खट्टी दही का यूज़ मत करिएगा और पानी बिल्कुल मत मिलाइएगा। तो चलिए फटाफट बनाना शुरू करते हैं रबड़ी मलाई लस्सी। रबड़ी बनाने के लिए सबसे पहले कढ़ाई में रखिए दूध। मैंने यहाँ पे करीब 1.5 लीटर दूध लिया हूँ और इसे रख दिया है बॉयल होने के लिए। अब आप इसे अच्छे से बॉयल आने दीजिए इसमें। फिर उसके बाद रबड़ी बनाने के लिए आप फ्रेश दूध का भी इस्तेमाल कर सकते हो और पहले से बचे हुए दूध का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और चाहे तो आप उसे नॉनस्टिक की कढ़ाई में पकाइए या फिर नॉर्मल घर की कोई कढ़ाई में पकाइए। बस कढ़ाई में दूध डालने से पहले आप उसे पानी से अच्छे से भिगो दीजिए और उसके बाद उसमें दूध डालिए। ऐसा करने से आपका दूध और रबड़ी जलेगी नहीं, तो उसके तले में वो चिपकेगी नहीं। दूध में यहाँ अच्छे से उबाल आ गया है। अब आप इसे मीडियम फ्लेम पर यूं ही पकने दें जब तक कि ये आधी ना पक जाए, दूध की क्वांटिटी आधी ना हो जाए। दूध उबलते उबलते उसकी क्वांटिटी आधी हो गई है। अब हम इसे स्टेज पर डालेंगे शुगर, चीनी। चीनी मैंने 1/4 कप लिया है, करीब 4 बड़े चम्मच। आप अपने अनुसार इसको कम या ज़्यादा मीठा बना सकते हैं, क्योंकि रबड़ी बहुत ज़्यादा मीठी नहीं अच्छी लगती। रबड़ी बहुत अच्छे से गाढ़ी और मलाईदार बन के रेडी हो चुकी है। अब इससे ज़्यादा हम इसे और नहीं पकाएंगे, क्योंकि अभी जब ठंडी होगी तो ये और भी ठीक हो जाएगी। अब हम गैस को कर देंगे बंद और इसमें ड्राई फ्रूट्स वगैरह कुछ नहीं डालेंगे, क्योंकि रामनगर की जो फेमस लस्सी है वो प्लेन इसी तरीके से रहती है, उसमें ड्राई फ्रूट्स नहीं रहते। बिल्कुल ऐसे ही प्लेन गाढ़ी रबड़ी पड़ी होती है। तो इसे बंद करके निकालते हैं एक प्लेट में। ये देखिए फ्रेंड्स, रबड़ी हमारी बिल्कुल बन के रेडी हो चुकी है। आप देख सकते हैं ये कितना बढ़िया गाढ़ा हो गया है। अब इसमें हम डालेंगे 3 से 4 बूंदें सिर्फ गुलाब जल की, क्योंकि वो भी इसी तरीके से ऐड करके बनाते हैं। मुझे जितना मैंने उनसे पता किया था, देखा था और जाना था, वो बिल्कुल सेम इसी प्रोसेस से बनाते हैं, वही प्रोसेस मैं भी कर रही हूँ। अभी इसे रखते हैं साइड में और यहाँ पर मैंने जमाई है दही। ये देख सकते हैं आप, मैंने मलाईदार दही जमाई है। 1/2 लीटर से ज़्यादा दूध लेके मैंने उसकी मलाई के साथ ये दही जमाई हुई है। और यहाँ पे मैंने 1/2 लीटर दही और लिया हुआ है। 1/2 लीटर दूध का मैंने दही जमा कर और लिया। इसको हम अच्छे से फेंट लेंगे एक मथनी से और इसमें डालेंगे सिर्फ 2 बड़े चम्मच शुगर। यहाँ पे मैंने शुगर पाउडर का यूज़ किया है ताकि ये आसानी से घुल जाए। सिर्फ 2 बड़े चम्मच है, क्योंकि रबड़ी भी हमने पहले से मीठी बनाई हुई है और लस्सी भी ज़्यादा मीठी कर देंगे तो बहुत मीठा मीठा हो जाएगा। इसलिए बहुत ही हल्का मीठा लस्सी बनाते हैं और रबड़ी में खुद ही मिठास पहले से रहती है। आप चाहें तो इस दही का भी यूज़ कर सकते हैं। आप इस पे से इसकी मलाई को हल्का सा स्क्रैप करके हटा के नीचे का दही यूज़ कर सकते हैं, और अगर बच भी जाए तो बाद में आप इस दही को कंज्यूम कर सकते हैं। इसलिए मैंने 2 जगह पर दही जमा ली। आप एक ही दही जमा के इसी से सारा प्रोसेस कर सकते हैं। अभी दही को अच्छे से फेंट लेते हैं। दही अच्छे से मैंने फेंट कर रेडी कर लिया है और इस मग में ले लिया है। अब चलिए बनाना शुरू करते हैं रबड़ी मलाई लस्सी। मैंने यहाँ पे कुछ चुक्कड़ ले लिए हैं, कुछ इस तरीके के जो मिट्टी के आते हैं, वहाँ पे भी इसी तरीके से इसी बर्तन में मिलते हैं हमें पीने के लिए। और सबसे पहले हम इसमें डालेंगे अपनी फेंटी हुई लस्सी। इसमें ज़्यादा नहीं भरेंगे, सिर्फ आधा आधा भरेंगे। सभी में इस तरीके से आधा आधा भर लीजिए। उसके बाद हम इसमें डालेंगे जो ये दही के ऊपर की मलाई हमने जमा के रखी, वो आप थोड़ा थोड़ा सभी में इस तरीके से ऊपर की लेके मलाई और दही थोड़ी थोड़ी डाल दीजिए।
मैंने सभी के ऊपर थोड़ी थोड़ी मलाई डाल दी है। अब बारी है रबड़ी की। अब हम इसके ऊपर डालेंगे रबड़ी को। सभी में इस तरीके से एक एक चम्मच भर के आप डाल दीजिए। ये लीजिए फ्रेंड्स, हमारी रबड़ी मलाई लस्सी बिल्कुल बन के रेडी हो चुकी है। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं कल फिर एक नई वीडियो के साथ, एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल विच इज़ नंदिनी किचन।